दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोटो के साइज़ को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सरकारी जॉब के फॉर्म भरते हैं तो वहां पर इसकी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर फ़ोटो अपलोड करते टाइम जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए वो 20-50 KB होना चाहिए। ज़्यादातर टाइम पर यही साइज़ मांगा जाता है। अगर 50 KB से ज़्यादा आपके फ़ोटो का साइज़ होता है तो ये एक्सेप्टेड नहीं होता। तो फ़ोटो का साइज़ रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है रिड्यूस फोटो साइज। आप नॉर्मली इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करते हैं अपना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहां से आपको सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। अब यहां से आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जिसका भी साइज आप रिड्यूस करना चाहते हैं। तो मैं इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो 89 KB का है। इसका साइज रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से रिड्यूस पे क्लिक करना है। यहाँ से कस्टम पे क्लिक करना है। आपको 450x350 अप्रॉक्सीमेट टाइप कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। आप देख सकते हो इसका जो साइज है यहाँ से 14 KB हो चुका है। अब इस फोटो को सेव करने के लिए आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेव एज पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहां पे कोई भी नाम लिख के इसे सेव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे नाम के आगे आपको .jpg जरूर लगाना है। और फिर यहां से सेव पे क्लिक कर देना है। आपका फोटो सेव हो चुका है गैलरी में। दोस्तों इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।